गुरु महाराज के नियमानुसार अभी संत तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित श्री रामचरितमानस ग्रंथ का पाठ करके आप लोगों को सुनाया गया है। आज के प्रथम सत्र में सत्संग की महिमा पर आपने बहुत कुछ सुना। अभी का विषय बदल नहीं गया है, विषय वही है। सुबह जो सुनाया जाएगा वह भी विषय यही रहेगा, कल शाम में जो सुनाया जाएगा विषय वही रहेगा। आप लोगों से कोई पूछेंगे क्या सुनकर आए हैं तो क्या कहेंगे, सत्संग सुनकर आ रहे हैं या नहीं कहेंगे, ईश्वर का स्वरूप सुनकर आ रहे हैं, यह नहीं कहेंगे बड़े भाग मानस तन पावा सुनकर आ रहे हैं। पाठ कुछ भी हो, प्रतिपादन कुछ भी हो, लेकिन सब यही कहेंगे सत्संग सुनकर आ रहे हैं। यहाँ संत मत सत्संग का कार्यक्रम है, केंद्र में बस यही एक विषय है सत्संग की महिमा। सत्संग का अर्थ आप लोग प्रवचन सुनना नहीं समझे, बहुत लोग यही समझ रखे हैं, प्रवचन सुन लिए, दो दिनों तक भोज भंडारे खा लिए, बस काम पूरा हो गया। सत्संग का अर्थ यही नहीं है। यदि यही अर्थ आप लोग समझ लेंगे तो बहुत धोखे में रहेंगे। सत्संग का अर्थ होता है सत का संग। अभी हम लोगों को झूठ का संग हो गया है, संसार झूठ है, बदलने वाला है, विनाशवान है, एक दिन इसका अस्तित्व नहीं रहेगा। शरीर झूठ है, बदलने वाला है, एक दिन नहीं रहेगा। इसी का संग हम लोगों को हो गया है। संसार का संग किसको हो गया, हमको। शरीर का संग किसको हो गया, हमको। हम कौन है? हम ईश्वर के अंश हैं, चेतन हैं, जीव हैं, अजर अमर अविनाशी है, सहज सुख की राशि है। सत को असत का संग हो गया है, यही दुख का कारण है। आपके घर में आपका लड़का हो चाहे आपकी लड़की हो, गलत आदमी का संग वह पकड़ ले, आपको सुख मिलेगा? नहीं मिलेगा। गलत का संग किसी अच्छे आदमी को हो जाए अच्छा नहीं होता। हम ईश्वर की संतान हैं, अजर अमर अविनाशी की संतान हैं, सबसे सुंदर की संतान है, सबसे धनवान की संतान है, सबसे बढ़कर बलवान की संतान है, सब तरह से जो सबसे श्रेष्ठ है उनकी हम संतान है। और संग हमको कैसे का हो गया, जो मरेगा, जो सरेगा, जो जलेगा, एक दिन भस्म हो जाएगा,
ऐसे शरीर और संसार का संबंध हो गया है, ऐसे शरीर और संसार का संग हो गया है, इसी का दुख है। मैंने पहले कहा, आपके लड़के को, आपकी लड़की को किसी गलत आदमी का संग हो जाए, अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। खुद आप ही गलत आदमी के पास बैठेंगे, आपके माता पिता को अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। और एक दिन आपका भविष्य भी दुखमय हो जाएगा, अंधकारमय हो जाएगा। गलत का संग पकड़ने से भविष्य खराब होता है। प्रधानमंत्री यदि चोर के पास आकर बैठ जाए, उनकी प्रतिष्ठा धूल में मिल जाएगी। राष्ट्रपति यदि एक ठग के पास आकर बैठ जाए, तो उनकी प्रतिष्ठा धूल में मिल जाएगी। बहुत बड़ा आदमी बहुत गंदा आदमी के पास बैठ उठ करने लग जाए, उनकी प्रतिष्ठा धूल में मिल जाएगी। उसी तरह से ईश्वर का अंश जो जीव है, चेतन है, सहज सुखी राशि है, ऐसे जीव को यदि मरने वाले का संग, जन्मने वाले का संग, भस्म हो जाने वाले का संग हो जाए, उस जीव की प्रतिष्ठा खत्म हो जाएगी। हम लोगों को असत का संग हो गया है। यह दो दिनों का आयोजन किस लिए होता है, यही समझाने के लिए। तुम सत हो, असंग पकड़ लिए हो असत का, इसीलिए दिन रात दुखी हो। असत का संग छोड़ो, जैसे असत का संग छूटेगा वैसे सुख मिलना शुरू हो जाएगा। जैसे ही जीव सत को पीव सत का संग हो जाएगा, वैसे ही इसको शाश्वत आनंद प्राप्त हो जाएगा। दूसरा सेकंड नहीं लगेगा। भगवान कृष्ण ने बतलाया, आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकता है, जल गीला नहीं कर सकता है, आग जला नहीं सकती है। इस प्रकार का जो आत्म तत्व है, जिनको कोई भी शस्त्र नहीं काट सकता, अग्नि जला नहीं सकती, जल इसे गीला नहीं कर सकता, और हवा जिसका शोषण नहीं कर सकती, वह आत्मा बंदूक को देख करके, तलवार को देख करके, तीर को देख करके, सांप बिच्छू को देख करके, कोरोना को देख करके डर के मारे थर थर कांपता है। जिसका नाश होता ही नहीं, जो किसी भी तरह से मारा जा नहीं सकता, मर नहीं सकता, वो थर थर कांपता रहता है मरने के डर से। जो मरता नहीं है, वह मरने से क्यों डर रहा है? संग दोष हो गया है। मरने वाले के संग में जो दिन रात रहता है, इसीलिए इसको मरने का डर सवार हो गया है। शरीर मरने वाला है, आत्मा कभी नहीं मरता है, लेकिन मरने वाले के संग जो अनादिकाल से हो गया है, इसीलिए इनको मरने का डर होता है। जिन्होंने मरने वाले का संग छोड़ दिया, अजर अमर अविनाशी परमात्मा का संग कर लिया, उनको मरने का कोई डर नहीं। संत कबीर साहब से एक बार काशी में कुछ लोगों ने पूछा, बाबा आप कब मरोगे?
कबीर साहब ने कहा, तू कैसा आदमी है, मैं रोटी खाता हूँ अपना और सिर दुखता है तुम्हारा। तुमको क्यों बला लग रहा है बाबा, आप कब मरोगे? लोगों ने कहा, महाराज आपकी उम्र के काशी में कोई नहीं रह गए, इसीलिए आपसे पूछ रहा हूँ आप कब मरोगे। कबीर साहब ने कहा, जो अपने को मरने वाला जन्मने वाला समझता था वो मर गया, हम न मरते हैं न जन्म लेते हैं, मैं क्यों मरूं, हम काहे मरेंगे। तो लोगों ने कहा, आप क्यों नहीं मरोगे? कबीर साहब ने कहा, हरी मरी है तो मैं भी मरी हूँ, हरी ने मरे मैं काहे को मरी हूँ। भगवान मर जाएंगे तो हम भी मर जाएंगे, भगवान नहीं मरेंगे तो हम क्यों मरेंगे। तो लोगों ने कहा, परमात्मा भगवान ईश्वर अजर अमर अविनाशी है, शाश्वत है, नित्य है, वे नहीं मरते हैं, तो आप क्यों नहीं मरोगे। कबीर साहब ने कहा, परमात्मा अजर अमर अविनाशी नित्य शाश्वत है, तो क्या हम मरने वाले हैं? बाप का गुण कुछ ना कुछ बेटा में जरूर आता है, कितना भी घटिया बेटा क्यों ना हो, माँ बाप का कुछ भी गुण जरूर उसमें होता है। उसी तरह से यह जीव कैसा भी निकृष्ट क्यों न हो जाए, परमात्मा का गुण इसमें जरूर कुछ होता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आग की चिंगारी कभी बर्फ नहीं हो सकती है, उसी तरह से परमात्मा का अंश कभी विनाशवान नहीं हो सकता है, यह शाश्वत है, नित्य है। तो सत्संग का अर्थ, हम आत्मा हैं, हम सत हैं, हमारा विनाश नहीं होता, किसी भी काल में हमारा विनाश नहीं होता है। इसीलिए आत्मा को जीव भी कहा जाता है। जीव का अर्थ होता है जो सदैव जीवित रहे, कभी मरे नहीं। तो हम सत हैं, हमारा विनाश नहीं होता, हम कभी नहीं मरते हैं। परमात्मा भी सत हैं, वे भी कभी नहीं मरते। पुराणों में ब्रह्मा जी की आयु भी निश्चित है, विष्णु भगवान की भी आयु निश्चित है, देवी भागवत में शिव जी की भी आयु निश्चित है, प्रकृति की भी आयु निश्चित है, काल की भी आयु निश्चित है, सबकी आयु धर्मशास्त्रों में सुनिश्चित है, लेकिन किसी भी धर्म ग्रंथ में परमात्मा की आयु निश्चित नहीं की गई है। परमात्मा नित्य है, सत्य है, परमात्मा सत्य है, और इस शरीर में रहने वाला जो आत्मा है यह भी सत्य है। इन दोनों का संग हो जाए, इसी का नाम सत्संग है। आप लोग सत्संग का यही अर्थ समझना, आत्मा और परमात्मा का मिलन। इसके अलावे यदि आप अर्थ समझेंगे तो धोखे में रहेंगे। धन्य घड़ी सोए जब सत्संगा, वह घड़ी धन्य है जिस घड़ी में सत का संग हो जाए। यदि प्रवचन सुनने का ही नाम सत्संग आप रख देंगे तो धोखे में रहेंगे, क्योंकि बहुत सत्संगी 40 साल से सत्संग करते आ रहे हैं लेकिन झूठ भी नहीं छूटा है, छल कपट नहीं छूटा है,
राग द्वेष नहीं छूटा है, घर में उनकी दुर्गति हो रही है, समाज में उसकी फजीती हो रही है। सत्संग तो 40 साल से कर रहे हैं, फिर इतनी दुर्गति क्यों हो रही है? तो उन्होंने सत्संग का अर्थ प्रवचन सुनना समझ लिया, इसीलिए दुर्गति हो रही है। सत्संग से आज तक किसी की दुर्गति नहीं हुई है। जिस दिन आत्मा सत को परमात्मा सत से मिलन हो जाएगा, उसी दिन की दुर्गति खत्म हो जाएगी। कभी कष्ट होगा ही नहीं, कभी दुख होगा ही नहीं, अलग होने का ही दुख है। जब तक दोनों अलग हैं तब तक दुख है। हाँ, दूसरा अर्थ भी आप सत्संग का लगा सकते हैं। दूसरा अर्थ क्या? हम तो उस सत का संग नहीं कर पाए, लेकिन जिस संत ने उस सत का संग कर लिया है, उस संत का संग करो। यह भी सत्संग है, लेकिन दूसरी श्रेणी का है। जैसे संत के संग से आप अलग होंगे, वैसे ही असत के संग के प्रभाव से प्रभावित होने लगेंगे। वो स्थाई नहीं है, वो दूसरी श्रेणी का है। और तीसरी श्रेणी का भी सत्संग है। पहुंचे हुए संत महापुरुषों के वचनों को आप श्रद्धा से सुने, पढ़ें, यह तीसरी श्रेणी का सत्संग है। एक श्रेणी और भी मैं बता रहा हूँ, आप लोग जीवन में झूठ कभी नहीं बोले, समझिए कि नंबर 1 के सत्संगी हैं।